अपन थर्ड पढ़ते हैं, मोलेलिटी, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म मोले, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलेलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, इसको प्लस एंटी में लिखता हूँ, लोग लिखो प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो उन दोनों में मैंने क्या लिखा था, सॉल्यूशन, वॉल्यूम किस में लिखा था, सॉल्यूशन, इसमें क्या मैंने लिखा, सॉल्वेंट। अब देखो, अब अपन मोलेलिटी की यदि बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, केजी ऑफ, यूनिट केजी मतलब वन केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो इसको मैं सॉल्यूट को लिख रहा हूँ क्या, बी डब्ल्यू वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को क्या लिखूँ मैं, वेट ऑफ ए लिख रहा हूँ, ठीक। अगर ये ग्राम में होगा, देखो ये केजी में है और ये सब क्या है, ग्राम में, ठीक। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, ये वेट डब्ल्यू बी, चलो मैं बाद में लिख दूँगा, डब्ल्यू बी क्या है, ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, ये भी ग्राम में, आपको पता ही है मॉलिक्यूलर वेट तो ग्राम में ही होता है। अब देखो ये अगर आप ग्राम में लिख रहे हो तो ऊपर क्या करोगे, थाउजेंड, ठीक। ये हो गया अपना मोलेलिटी। अब देखो इसमें बी को हमने क्या बोला, बी क्या है, सॉल्यूट, ए क्या है, सॉल्वेंट। हाँ ये देखो, ये हमेशा ज़्यादा मोर अमाउंट में होगा, सॉल्यूट कम अमाउंट में होगा, कंसंट्रेशन टर्म यानी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन देखते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट कम अमाउंट में और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में, इसलिए हमने क्या लिया, एक किसको लिया, सॉल्वेंट को, ज़्यादा अमाउंट वाले को, और कम अमाउंट वाले को बी क्या लिया, सॉल्यूट। तो ये हमने नाम लिखा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ, क्या आता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है। अपन कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं, फोर्थ क्या है, स्ट्रेंथ क्या होगा, डब्ल्यू बाय बी, इसको लिखते हैं स्ट्रेंथ वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे, ये आपको क्या दिख रहा हो, मोलेरिटी, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलेरिटी इनटू वेट। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो स्ट्रेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, सिमिलरली बात करें अपन तो स्ट्रेंथ इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। देखो ये कहाँ से आ गया, तो ये मोलर वेट के जगह अपन अगर इक्विवेलेंट वेट से ऊपर नीचे डिवाइड करो तो कट के वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक। तो अभी तो रहने दो, समझ में आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, यही मैंने लिखा था, मॉलिक्यूलर वेट, ये अपन लिख रहा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। तो ये अपन ने स्ट्रेंथ देख लिया, अब आता है परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक। देखो क्या होता है, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ
W बाय W, इसको अपन बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, ये देख ऐसे लिख W बाय V। देख इसमें क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इनटू 100, ठीक। उसके बाद अपन पढ़ते हैं परसेंटेज बाय वी बाय वी, ये स्मॉल अपॉन, ये क्या हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। तो ये तीन कंसेप्ट हैं, आपको कई बार जो है दिए जाएंगे, आपको स्ट्रेंथ बाय डब्ल्यू, इनटू बाय वी, वी बाय वी, और आपको क्वेश्चन क्वेश्चन
अब अगर मॉलिक्यूल अपन निकालते हैं तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू बी अपॉन वेट ऑफ बी इन डब्ल्यू ए ग्राम डब्ल्यू बी कितना 20 डब्ल्यू बी क्या 20 मॉलिक्यूलर वेट आपको दे देगा और मास बिल्कुल ये कंसीडर ये देखो 25 500 अपॉन ये आंसर आ रहा है वॉल्यूम में आ जाएगा तो दे देगा 20% 13% ऑफ सी सी टू एस फाइव स्क्वायर फर्स्ट बाय वॉल्यूम ऐसे दे दे 13% बाय सी टू एस फाइव बाय वॉल्यूम ऐसे लिखा मिलेगा तो ऐसे करने का क्या मतलब है इसका 30% बाय सी टू एस 30% ये 30% सी टू एस फाइव मैच बाय वन इसका मतलब है 30 ml ऑफ सी टू एच फाइव को सी टू एच फाइव प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ